लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि कुछ ही एक ही डेढ़ दो महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई। हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते थे, नहीं तो शायद एक साल डेढ़ साल के अंदर भव्य तथागत बुद्ध की प्रतिमा उस कुशीनगर में तैयार हो गई होती। और आज जो सरकार है, वैसे हमारी अपेक्षा थी, इसके पहले भी जो सरकार थी उत्तर प्रदेश की उससे भी थी, और आज भी जो सरकार है, मैं पत्र लिखूंगा आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री को कि जो आधारशिला विश्व की सबसे बड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा बनाने का मैंने कुशीनगर में रखा है, उस पर विश्व की सबसे बड़ी तथागत बुद्ध की प्रतिमा का काम प्रारंभ किया जाना चाहिए। एक आस्था के आधार पर ही मैंने यह फैसला किया था और कोई दूसरा काम नहीं। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप तो सनातनी हैं, सनातनी होने के बावजूद भगवान बुद्ध के प्रति आपके हृदय में इतनी आस्था क्यों है। मैंने कहा क्या आप ये नहीं जानते, सनातन धर्म को मानने वाला हूं तो सनातनियों ने ही तो भगवान बुद्ध को एक अवतार माना है। और यहां तक कि जब हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हुए भी हर सनातनी पूजा अर्चन करते हुए कहता है बौद्धावतारे कलयुगे प्रथम चरणे, यह कहकर तब कोई बड़ा संकल्प लेता है आपके ऊपर जल रखकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भ्रांति हमारे मन में पैदा नहीं होनी चाहिए, इससे हम सबको बचने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति जीवन में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बहुत लोगों ने आग्रह किया कि बाबा साहब आप तो क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर सकते हैं, ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते हैं, इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा मैं कभी भी वह धर्म स्वीकार नहीं करूंगा जिस धर्म की जड़ें भारत से नहीं जुड़ी हुई हैं, भारत की धरती से नहीं जुड़ी हुई है, वह धर्म अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत की आत्मा के बारे में यदि मुझसे कोई पूछना चाहता है कि भारत की आत्मा क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि भारत की आत्मा है भारत की संस्कृति है। इसीलिए उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भारत की मिट्टी से पैदा हुआ जो धर्म था और इस धर्म का जो प्रवर्तक था तथागत बुद्ध, उन्हीं के प्रति आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति की उन्होंने और उन्हीं के द्वारा दिए गए धम्म को उन्होंने स्वीकार किया था। भारत की आत्मा की इतनी चिंता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को थी, आज उसी भारत की आत्मा भारत की संस्कृति पर गहरी चोट पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण की चर्चा इंद्रेश जी ने की है, धर्मांतरण यदि कोई करना चाहता है बहुत दबने हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मास कन्वर्जन सामूहिक धर्मांतरण दूसरे धर्मों में चल रहा है, मैं समझता हूं किसी भी सूरत में हमारे जैसा व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों यह किया जाता? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था की बात भी लोग करते हैं, उसके बावजूद बौद्ध धर्म को जो मान्यता मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, यह इस मर्म को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया, दूसरे धर्म को क्यों नहीं स्वीकार किया। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भारत की आत्मा को समझते नहीं है, इसलिए भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने में भी उन्हें रंच मात्र संकोच नहीं होता। भारत के संविधान की रचना जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रियम्बल, जो भारत के संविधान का प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल के बारे में यह कहा कि भारत के संविधान की आत्मा है, यानी भारत के संविधान के किसी सेक्शन अथवा किसी क्लास को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम यदि पैदा हो तो वह भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के संदर्भ में उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या वह कर सकता है। लेकिन आपने यह देखा कैसी विडंबना है, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारत के संविधान की आत्मा या प्रियम्बल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक समय इसी आजाद भारत में ऐसा आ गया कि
इमरजेंसी के दौरान कि भारत की आत्मा जो भारत का संविधान का प्रियम्बुल है उसमें ही संशोधन कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन लोगों ने कहा नहीं इससे ही काम नहीं चलेगा बल्कि इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्द और डाले जाने चाहिए। क्या जरूरत थी उसकी डालने की, क्या जरूरत है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस सच्चाई को नहीं समझते? हमारा जो धर्म है ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म क्या मानवता का संदेश नहीं देता? क्या इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने की इजाजत देता? लेकिन राजनीतिक कारणों से भारत के संविधान की आत्मा पर भी चोट पहुंचाने में लोगों ने रंच मात्र संकोच नहीं किया है। यह कुछ ऐसे गूढ़ तथ्य हैं जिनको हमको समझने की जरूरत है। आज भी समाज में विसंगतियां पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, विषमताएं भी बढ़ रही हैं। विसंगतियां और विषमताएं यदि हम इन्हें चुनौती के रूप में भी स्वीकार करते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, जो उनका धम्म है, मैं समझता हूं उस अनुरूप हम सबको आचरण करने की आवश्यकता है। नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा, इन सब सारी चीजों से हम इस विश्व को यदि निजात दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त यदि करता है तो सचमुच बौद्ध धर्म ही वो मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं रमेश चंद जी रत्न को, जो उन्होंने कि बौद्ध महासम्मेलन का यहां पर आयोजन किया है और हम लोगों को यहां पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन ये बौद्ध महासम्मेलन हो रहा है इसलिए मैं एक बात और यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बहुत सारे बौद्ध तीर्थ हैं लेकिन बौद्ध तीर्थ उजड़े पड़े हुए हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन जैसी उनकी देख रेख होनी चाहिए और जिस स्तर का उन्हें बनाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल भारत के लोग ही बौद्ध तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने के लिए नहीं जाते बल्कि सारे विश्व के, चाहे वो चीन हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, लाओस हो, तिब्बत हो, कहां कहां से लोग आते हैं। विश्व के इतने सारे देशों से लोग बौद्ध तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन एक भी हमारा बौद्ध तीर्थ स्थान नहीं है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित किया गया हो। इसलिए मैं इस बौद्ध महासम्मेलन के माध्यम से भारत सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं कि जो भी हमारे बौद्ध तीर्थ स्थल भारत में है उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं विश्व का आकर्षण हमारे बौद्ध तीर्थ स्थलों के प्रति और पहले से कहीं और अधिक बढ़े। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ मैं कहते हुए मैं यहां पर तथागत बुद्ध के चरणों में शीश झुकाकर पुनः प्रणाम करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करता हूं। परमेश्वर जी रत्न आपको मैं इस भव्य और सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मंच पर जो हमारे संत यानी जो हमारे बौद्ध भिक्षुगण उपस्थित हैं उनके प्रति पुनः हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।